बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चैप्टर नंबर 11 है, सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है हमारे पास। तो इसके एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉस्टुलेट्स भी हैं, आप प्लीज़ उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने पॉस्टुलेट्स की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ को समझने में और उसको क्विकली आंसर करने में बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड दो डेरिवेशन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस साल के लिए, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि पिछले साल तो वो उसके अंदर उन्होंने रिड्यूस सिलेबस की वजह से उसको हटा दिया था। तो आपने वो डेरिवेशन ज़रूर देखनी है, डेरिवेशन ज़रूर करनी है। डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो मैंने आपके आसानी के लिए किया ही है कि मैंने उसकी पिक ले ली है और मैं आपको उसमें कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये एक तो हमने ये वाली डेरिवेशन की थी p = 1/3 ρ v² bar, और एक हमने डेरिवेशन की थी ½ mv² bar = 3/2 kT। तो ज़रा दोनों को समझ लीजिए, दोनों में बातें क्या हैं। पी प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है हमारे पास, और ये जो वी है ये वेलोसिटी है। तो वी पे स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वेलोसिटी है। उसके ऊपर जो लाइन है इसका मतलब है मीन या एवरेज वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इसमें से वेलोसिटी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, तो ये 3 जो इक्वेशन के यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाओ तो पी और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये रो जो कि डेंसिटी है, ये वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, v² bar। तो इस इक्वेशन के अंदर भी अगर मैं यही काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से 2 को मैं कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, m v² bar, ये रहा, और यहाँ पर बचेगा 3 और kT 3 kT। इसमें जो K है दैट इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। और जो T है ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर जो कि केल्विन में मेजर किया जाता है, जिसको हम थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर कहते हैं। हर वो टेम्परेचर जिसको आप केल्विन में मेजर करोगे, केल्विन में नापोगे, वो टेम्परेचर आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो फिर m जो इक्वेशन के यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई सॉरी इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 3 kT ऑलरेडी मौजूद है और ये m यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये भी v² bar बिल्कुल एज इट इज़ बन गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो v² bar है ना, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर्ड स्पीड। मीन स्क्वायर्ड स्पीड कहलाता है हमारे पास, ये वाला भी v² bar और ये वाला भी। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इक्वेशन की दूसरी तरफ रूट लगाना पड़ेगा। मैंने रूट लगाया हुआ है 3p/ρ। ये p थोड़ा सा ज़रा कट रहा है तस्वीर में, बट आई बिलीव सो समझ में आ रहा होगा कि 3p/ρ है। तो जब हमने रूट लगा दिया ना, तो अब इस वेलोसिटी को हम कहते हैं RMS। R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन, S स्टैंड फॉर स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, V फॉर स्पीड या वेलोसिटी जो मर्जी कह लें। इसी तरीके से अगर यहाँ से भी मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या मुझे रूट लगाना पड़ेगा, तो 3 kT/m, देख रहे हैं। तो फिर ये रूट लग गया, तो ये भी हमारे पास कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो वी हैव 2 फार्मूलाज फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक में प्रेशर और डेंसिटी है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और दूसरे में सिर्फ टेम्परेचर है हमारे पास, रूट के अंदर टेम्परेचर लिखा हुआ है, ओके। देख रहे हैं ना, जब रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो एक में रूट मीन स्क्वायर स्पीड, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है गैस का मॉलिक्यूल, उसका जो मास है वो कम ज़्यादा नहीं होता, ओके। और दूसरे में जो है प्रेशर है और डेंसिटी है, इन दोनों के ऊपर है हमारे पास। सो इसके बाद हम MCQ स्टार्ट कर सकते हैं। सो MCQ जो सबसे पहला हमारे पास MCQ है, उसमें देखिए हमसे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूँकि टेम्परेचर के साथ रिलेशन दे रहा है। तो अगर हम अपनी तस्वीर में देखते हैं जो कि अभी हमने देखा था, तो RMS जो है वो रूट के अंदर T लिखा हुआ है ना। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है, √T, ऑप्शन ए। मेरा ख्याल है आसानी से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज करना चाहता हूँ, चेंज ये करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एग्ज़ाम में हमारे पास लिखा होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, रुकिए मैं इसको ले लेता हूँ पेंसिल से। ये जो रूट है ये लफ्ज़ नहीं लिखा होता, ठीक है ना, ये रूट के लफ्ज़ को मैं ज़रा काट रहा हूँ। तो हमारे पास एग्ज़ाम में वो अगर पूछता है अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, मीन स्क्वायर्ड स्पीड, तो अगर अब से हमसे वो मीन स्क्वायर्ड स्पीड पूछता है तो मुझे बताइए, अब मैं मीन स्क्वायर्ड स्पीड क्या बताऊंगा। अगर मैं अपनी तस्वीर को देखूं तो मीन स्क्वायर्ड स्पीड जो है वो तो वी के ऊपर स्क्वायर है उस वक्त हमारे पास, तो उसमें वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रूट मीन स्क्वायर है वो √ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर पे रूट लगा हुआ है। लेकिन अगर मीन स्क्वायर्ड स्पीड उसने पूछ लिया तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा प्लीज़। तो फिर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता अगर मेरे पास क्या पूछता, मीन स्क्वायर्ड स्पीड। तो ये दोनों बातें याद रखनी है प्लीज़, अच्छे तरीके से बड़े एहतियात से आपने MCQ को देखना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा है या मीन स्क्वायर्ड स्पीड पूछा है, वो बाज़ अवकात
जल्दी में हम मीन स्क्वायर के आगे रूट खुद ही लगा देते हैं और जवाब गलत हो जाता है, ठीक है। सो आई बिलीव सो कि ये मेरी पहली वाली बात समझ में आ गई होगी, ये जो सारी कहानी हमने की है। तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ ताकि आपको जब आप इसको देख रहे हो तो आपको आसानी हो, ठीक है। ओके जनाब, नंबर टू कहता है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोबारा से उस पिक की तरफ आते हैं, तो देखिए ये जो है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर मैं इसके ऊपर से ये लाइन हटा दूं बार की, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इस बार का मतलब है कि चूंकि वेलोसिटी एवरेज है तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी या मीन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये पूरी चीज़ यानी मीन ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल का मतलब है हम ये जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ये एक लाइन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमने डेरिवेशन देखी हो तो हमने मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक वे के अंदर उसको मूव करवाया है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, लेकिन कौन सी है, एवरेज है। तो 3/2 kT इसका फॉर्मूला बनता है। सो 3/2 kT दिस इज द फॉर्मूला 3/2 kT। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ और वो बात ये है, देखिए काइनेटिक एनर्जी पर उसने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट करके आपसे बात कर लूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लव्ज़ है वो है पर मॉलिक्यूल, तो जब भी पर मॉलिक्यूल होगा तो हमेशा के यूज़ होगा। के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट होता है, अगर आपने थ्योरी देखी हो, एंड वेन एवर वी आर यूजिंग द के वी आर यूजिंग द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, इट्स मीन कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग फॉर वन सिंगल मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, ओके। सो द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट इज यूज फॉर द पर मॉलिक्यूल और वन सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एग्जाम में वो हमसे ये पूछ लेता कि यार मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जगह पर मोल अगर वो हमसे पूछता तो फिर ये 3/2 kT की जगह पे पता क्या आ जाता, k की जगह पे, ये मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, k इज इक्वल टू किसके हो जाता, r के हो जाता। जी हाँ, फिर मैं यहाँ पर 3/2 RT करता, इस k को मैं r बनाने की कोशिश करता हूँ, सो ये r में बनाने में कामयाब हो गया। तो फिर मेरे पास क्या होता, 3/2 RT, कब, जब काइनेटिक एनर्जी पर मोल मुझसे पूछता। लेकिन चूंकि पर मॉलिक्यूल इसने पूछा हुआ है, मैंने 3/2 मैंने क्या kT भी किया है। सो मेरा ख्याल है दोनों समझ में आएंगी, क्योंकि ये दोनों बातें एग्जाम में आती हैं, कभी वो पर मोल भी पूछता है और कभी पर मॉलिक्यूल भी पूछता है। सो आई बिलीव सो ये सब समझ में आ गया होगा। सो मैं रिवर्स कर लेता हूँ इसको दोबारा से जो कि हम कर रहे थे, ओके। सो दैट्स इट, मेरा ख्याल है ये समझ में आ रही होगी, बट इवन इफ यू फील के देर इज सम क्वेश्चन तो हम उसे पूछ सकते हैं। और ये देखें एग्जाम में आया हुआ है 95-99 के अंदर, और इससे पहले वाला भी देखें 93 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। सो एग्जाम के MCQs हैं ये। अच्छा जी, नंबर 3 में कह रहा है 1 kg हाइड्रोजन कॉन्टेन डैश एटम देन 1 kg ऑफ लेड। मैं ज़रा आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, देखें तराजू होता ना, यानी जो बैलेंस होता है, तो उसके दो पलड़े होते हैं या दो पैन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आप क्या करें कि यहाँ पर एक पलड़े के अंदर अगर आप तराजू के वो स्ट्रॉबेरीज रखें 1 kg और दूसरे पलड़े में आप एप्पल रखें 1 kg, तो वो बिल्कुल बैलेंस होगा, यानी क्योंकि 1 kg ये है और 1 kg ये, तो बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज हैं दे आर मोर देन द नंबर ऑफ एप्पल्स, द बैलेंस इज टोटली बैलेंस, वो जो पलड़ा है वो जो तराजू है हमारा वो टोटली बैलेंस है क्योंकि दोनों 1-1 kg हैं। लेकिन चूंकि स्ट्रॉबेरी का साइज छोटा होता है तो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा आएंगी, तादाद में ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द एप्पल। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन हमारे पास एटम है जो कि सबसे लाइटर एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास लेड है जिसका 82 है वहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर, यानी 82 तो प्रोटॉन्स है उसके अंदर, तो कहाँ एक वाला और कहाँ 82 वाला। तो इसका मतलब ये है कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कॉन्टेन मोर, समझ में आ रही है, मोर एटम्स देन 1 kg ऑफ द लेड, ये ज़रा अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन आई बिलीव सो मेरी एग्जाम्पल समझ में आ रही होंगी, जो मेरी खोपड़ी में आती है मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल बिकॉज, तो क्यों, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो हमें क्या बताती है कि जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या होता है। तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में स्पेशली इस बात को डिस्कस किया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दो तरीके से कोलिजन कर रहे हैं, एक तो आपस में टकरा रहे हैं, दूसरा जिस कंटेनर बन किया उसकी वॉल से टकरा रहे हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं वो कोई प्रेशर नहीं बनाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो कि वॉल से टकराते हैं वो प्रेशर बनाते हैं। और जब भी
टकराने की बात होगी तो अगर आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स देखें, मैं बड़ा स्पेसिफिकली ये बात करता था कि जब कभी भी कोलिजन की बात होगी तो हम हमेशा किस चीज़ को लेकर आएंगे, मोमेंटम को. मोमेंटम कैन एक्सप्लेन कि व्हाट एग्जैक्टली या व्हाट टाइप ऑफ द कोलिजन इज अकरिंग. मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कोलिजन यू मस्ट ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंटम. सो जहाँ कहीं फिजिक्स में मोमेंटम होगा आप देखिएगा कोलिजन होगा, और जहाँ कहीं कोलिजन होगा मोमेंटम लेकर आएंगे वहाँ पर. सो वो जो मॉलिक्यूल है वो जो टकरा रहा है वॉल्स के साथ, दैट इज़ बेसिकली मेकिंग द प्रेशर ऑफ द गैस. तो जो कि टकरा रहा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंटम है. सो जो मॉलिक्यूल हैं दे पोजेस मोमेंटम. दिस इज द ऑप्शन. आई बिलीव सो समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है. एंड नंबर 5 के ऊपर हम जाते हैं. कह रहे हैं द प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल. वेसल पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं और जो प्रेशर लग रहा है, इफ़ अगर क्या हो, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इंक्रीज. प्रेशर कब इंक्रीज होगा, क्या जब टेम्परेचर डिक्रीज हो? तो मैं आपको अभी दोबारा से वो तस्वीर दिखाता हूँ. देखिए प्रेशर का अगर हमें टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखूँ तो देखिए अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊँ, ये नज़र आ रही है क्वेश्चन, टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से पूरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मतलब मास तो वही रहेगा, हाफ तो नंबर है, वेलोसिटी बढ़ेगी ना. तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊँगा वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी वी स्क्वायर बार इंक्रीज होगा. इसी को उठा के यहाँ ले जाओ, जब ये इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके, अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज. जी नहीं, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं है. दूसरा वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज. जी नहीं, वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया. तीसरा है कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विद इट्स वॉल. यस, जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्स के साथ कोलिजन को ही तो हम प्रेशर कह रहे हैं. सो माय ऑप्शन सी इज माय बेस्ट ऑप्शन. ओके, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं. चेंज क्या लेकर आते हैं, क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज का आंसर नहीं बता रहा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यूज में कोई ट्विस्ट आता है, कोई चेंज आता है तो आप प्रिपेयर हूँ. सो मैं ज़रा ट्विस्ट लेकर आता हूँ. वो कह रहा है कि ये बिल्कुल एमसीक्यू ये हो और टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज होता, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे होते तो ए भी सही हो जाता और सी भी, दोनों करेक्ट होते तो फिर डी ऑप्शन क्या होता, बोथ ए एंड सी, इस तरह लिखा हुआ था एग्जाम में, है ना. अच्छा अगर ये जो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है ये इंक्रीज किया होता, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाते मेरे पास. तो डी में क्या लिखा हुआ आता मेरे पास कि ऑल ऑफ द अबव, तो मैं ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करता. ये मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मिसाल के तौर पे कोई दो सही होते और फिर ये डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो फिर मैं किसको क्लिक करता जनाबे अली, फिर मैं क्लिक करता टेम्परेचर को कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, सिर्फ उसको करता. ये मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये प्रूफ थ्योरी है कि टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज करेगा उसका प्रेशर. और टेम्परेचर के ऊपर बहुत सारी मैंने बातें वीडियो में की हैं, मैं यहाँ पे करना नहीं चाह रहा इसके अंदर. सो लेकिन फिर अगर इस तरह का ऑप्शन ना होता कि दो सही होते और मैं किसी एक को क्लिक कर रहा होता और बोथ यानी बोथ ए और सी वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप लोग मुझसे बहुत बहस करते हैं मैसेजेस के ऊपर भी और कमेंट्स में भी. फिर आप मुझसे कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, ये तो दोनों ही सही हैं, आप किसी एक को. तो भाई जो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, फिर ये एम सी क्यू की जगह बी सी क्यू बन जाता है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं. नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो व्हेन द टेम्परेचर इज जीरो. तो उसी तस्वीर को अगर आप दोबारा देख लें तो आपको समझ में आएगा, व्हेन द टेम्परेचर इज जीरो तो ये सारा जीरो हो जाएगा. सब सारा जीरो होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, जीरो आ गई मेरे पास. ओके, सो व्हेन द टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो जीरो हो जाएगी. सीधी सीधी सी बात है. ओके, कह रहा है द प्रेशर एग्जर्ट बाय कॉलम ऑफ द मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई. कल भी मैंने एक वीडियो के अंदर एमसीक्यू में बताया था कि वो या तो सेवन जो कॉलम होता है मर्करी का 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, या अगर यूनिट सेंटीमीटर होगा तो 76 होगा. तो 76 का मतलब और जीरो डिग्री का मतलब होता है ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है. सो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर को हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. आप देखिएगा चैप्टर नंबर 11 के अंदर एग्जाम्पल है 11.3. कौन सी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 11.3. उसके अंदर आप देखिएगा उसने टेम्परेचर जीरो के ऊपर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM लिया हुआ है, ठीक है. सो नेक्स्ट वन, ये एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, देख लें कैसे घुमा रहे हैं आपको. बट आई बिलीव सो कि अब आपके समझ में आ रहे होंगे.
नेक्स्ट वन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट पर मोल। अच्छा, इससे ज़्यादा बेहतर ये 8 से ज़्यादा बेहतर ये कि सबसे पहले ज़रा 10 पे आ जाओ, ठीक है, ज़रा बात समझ में आसानी हो जाएगी। कह रहा है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट किसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब भी हम आर को डिवाइड करते हैं एन ए से, सीधी सीधी सी बात है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और एन क्या है एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है भाई, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कहलाता है। तो इसका मतलब है कि आर को डिवाइड कर रहे हैं वन मोल के मॉलिक्यूल से ना। अब इसी को अगर आप नंबर 8 पे ले जाओ, कह रहे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट पर मोल, तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर डिवाइडेड बाय पर मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, पर मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो ये बेसिकली हमारे पास बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट पूछा जा रहा है। आई बिलीव सो के आपकी समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले 10 बता दूं, फिर ये 8 भी खुद बखुद हो जाएगा जनाब। नेक्स्ट है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब है कि इस तरह की लेंथ भी 1 मीटर है, इस तरह की लेंथ भी 1 मीटर और हाइट भी हमारे पास क्या है 1 मीटर है। अब ये जो 1 मीटर है उसको सेंटीमीटर में करो तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और हाइट भी 100 सेंटीमीटर है। तो 3 दफ़ा 100 को मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 10 की पावर 6। आई बिलीव सो कि ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, कह रहे हैं आर एम एस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सीधी बात है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, केल्विन का जीरो टेम्परेचर होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, वेलोसिटी जीरो होगी। और वैसे भी अगर आप आर एम एस कैलकुलेट करना चाहें, जो हमने अभी आपको फार्मूला बताया इससे, यानी टेम्परेचर वाले से, तो एम मॉलिक्यूल का उसने मास कहाँ पे दिया हुआ आपको, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो सीधी सीधी बात है, ट्रिकी क्वेश्चन उसने बनाया कि आप उसको वैल्यूज़ कुछ ऐसी दी हुई हैं कि आप समझेंगे कि यार मुझे कैलकुलेट करना चाहिए था, बट देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट। इफ़ दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ अ टेम्परेचर टेकन इन केल्विन इज जीरो, देन दी काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। सिंपल थ्योरी, ओके। द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इज, अब वही बात है, अगर आप आर को एन ए से डिवाइड करें, ये आर 8.314 डिवाइडेड बाय एन ए एवोगाड्रो नंबर 6.023 10^23। तो कैलकुलेटर में रख के जल्दी से आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आ जाएगा। आमतौर पे मैं ये चाहता हूँ बच्चों से कि वो इसको रट लिया करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए जिसमें वैल्यूज़ की रटने वाली बात हो, बट कोई मसला नहीं, जब चल रहे रिवायत चल रही है तो हम उसको फॉलो करेंगे, रट्टा लगाएंगे फिर हम भी। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट गैसेज। कह रहे जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डेरिवेशन की है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए जो टेम्परेचर है टी, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में लिए जाने वाला टेम्परेचर है, वो जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पूरी बात करो तो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर मैं थ्योरी की तरफ आता हूं, तो कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं जी ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने सामने लिखा हुआ था, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल की बात होती ना बेटा तो फिर यहाँ पर ये 3/2 और k नहीं होता, हाफ एम वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू डायरेक्ट t लिखा होता, इसका मतलब है इक्वल है, लेकिन 3/2 और k लिखा हुआ है इसका मतलब इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब आप इज इक्वल टू खत्म करोगे तो 3/2 और k दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। सो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यस। इंडिपेंडेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जी नहीं, टेम्परेचर को जो है वो डायरेक्ट हम देख रहे हैं फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के सामने लिखा हुआ है, सो इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गया। सो दी बेस्ट ऑप्शन इज, या द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नंबर 14, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अभी भी हमने ऊपर भी बात की थी, ये देखिए जो सबसे पहला था हमारे पास ये था नंबर 2, ये मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर मीन आ गया, तो मीन काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 1 बात गौर से सुन लो, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, ट्रांसलेशनल के लफ्ज़ को काट दो तो क्या हो जाएगा, मीन काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, या जिस तरीके से अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, मीन का लफ्ज़ भी उसने काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो याद रखिएगा ये 3/2 kT ही होता है, चाहे आप इसको मीन काइनेटिक एनर्जी कह दो, इसको खाली काइनेटिक एनर्जी कह दो, या मीन या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह दो, एवरीथिंग हैज़ द सेम मीनिंग फॉर अस, ओके।
ओके जनाब, नेक्स्ट वन है हमारे पास, कह रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इन टर्म ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। नीचे फॉर्मूले लिखें, ये मैंने जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी आपके लिए, मैं आपको अभी दिखा लेता हूँ। और ये यहाँ पर देख लीजिए, देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। देखिए क्या हमने ये डेरिवेशन की है, प्रेशर इज 1/3 रो वी स्क्वायर बार, बिल्कुल ऐसे किया हुआ है। तो रो डेंसिटी हमने डेरिवेशन में बताया था, डेंसिटी क्या होती है, एम एन वी के बराबर होती है, एम एन वी। तो मैंने रो की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया, एम एन वी, ठीक है। अब 1/3 एज इट इज नीचे लिखा हुआ है, एन वी एज इट इज लिखा हुआ है। ये जो एम है ना और वी स्क्वायर बार, इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एम वी स्क्वायर ये के साथ अगर हाफ लिखा हो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो हाफ यानी डिवाइडेड बाय टू, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय टू, मैंने खुद किया अपनी मर्जी से। तो जब मैं अपनी मर्जी से इक्वेशन में डिवाइडेड बाय टू कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय टू भी करूँगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई बाय टू भी लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय टू भी। ये बात समझ में आ रही है, जिनकी थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स भी अच्छी होगी तो उनको फौरन समझ में आ जाएगा कि मैंने इसके बाद यानी इस पूरे स्टेप के बाद यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टू किया हुआ है, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर बार ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास, या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये 2/3 एन वी एज इट इज आया, 2/3 एन वी, तो 2/3 एन वी काइनेटिक एनर्जी, ये वाला ऑप्शन में देख लेता हूँ, 2/3 एन वी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2/3 एन वी काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज माई ऑप्शन। सो आई बिलीव सो ये समझ में आ गए होंगे। ये जो एम सी क्यूज है ये थोड़े से इसमें ट्रिकी किस्म के एम सी क्यूज है, मैंने कुछ ज़्यादा बातें डिस्कस की हैं। एम सी क्यूज मैंने 15 ही बताएं इस टॉपिक के, लेकिन वीडियो की लेंथ जो है वो तकरीबन 22-23 मिनट के ऊपर जा रही है। वाई, बिकॉज के आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर और द की ऑफ द एम सी क्यूज राइट नाउ। What is my mission? My mission is to discuss MCQs or to amend the MCQs, change the MCQs so that के आपको एक concept आपके दिमाग में चला जाए, okay? और now if you feel you have any question or you are confused at some point, you can ask me in the comments. Inshallah, I will give you the answer. Now if you like this video, आपने इसे कुछ सीखा हो तो like के button को ज़रूर दबा दीजिएगा, share with other your friends, and if you are new to this channel, subscribe it. Thank you so much. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।